बात अहम खबर की। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में हादसा हो गया। जागरण चल रहा था, इसी दौरान मंच गिर गया। जागरण के दौरान मंच धड़ाम। शनिवार की रात दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण चल रहा था। जागरण के मंच के आसपास की जगह लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। पैर रखने तक की भी शायद जगह नहीं होगी। तभी वहां पर जोर की आवाज आती है और मंच धड़ाम से गिर जाता है और उसके बाद तो लोग शोर मचाने लगते हैं। मौके पर भगदड़ भी मच गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रात करीब 12:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। सिंगर बी प्राक का भजन सुनने के लिए लोग जुटे थे। मेरे पीछे जो आप स्टेज देख रहे हैं, यहीं पर बी प्राक का आयोजन हो रहा था और आप यहाँ देख सकते हैं कि वो 12:30 बजे शामिल थे। यहाँ जब वो स्टेज पर आए तो उसके बाद लोगों में जो है वो उत्साह बढ़ गया। जो भीड़ थी वो आगे की तरफ आई। अब देखिए, ये जो है ये मेन स्टेज है जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था। बराबर में जो है वो ऑर्गेनाइजर्स के लिए, वीआईपी के लिए एक छोटा सा जो है स्टेज बनाया गया था। और ये स्टेज आप देख सकते हैं, ये स्टेज जो गिरा है, इसी के नीचे जो लोग हैं वो दब गए। तो आप देख सकते हैं, ये वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये स्टेज जो है ये अटैच था और यही स्टेज गिरा। क्योंकि जो स्पेस अब हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं, वो आगे तक जो स्पेस आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग जहाँ पर है, वहाँ पर 1600 लोग यहाँ पर मौजूद थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी। और जैसे ही बी प्राक स्टेज पर आए तो लोगों में काफी उत्साह आ गया और लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। तो स्पेस नहीं था जिसके चलते जो है ये पूरा हादसा हुआ है। स्टेज बुरी तरह से तहस नहस है। लोहे के खंबे पड़े हुए हैं, जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। पर मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगी, जो कूड़ा आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए, जो लोग थे जब वो भागे उनके जूते चप्पल भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर भगदड़ मच गया था क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज्यादा कम था। पुलिस के मुताबिक स्टेज लकड़ी के पटरों, लोहे के खंभों से बनाया गया था। मंच पर काफी लोग चढ़ गए थे, वो लोगों का भार नहीं उठा सका जिससे मंच ढह गया। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि उस वक्त कैसा मंजर था। लोगों को ले जाते देखा, जाते देखा, किसी को लंगड़ा के चल रहा है, कोई किसी को उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग यही, मतलब हम लोग आए यहाँ, मतलब बहुत पीछे थे हम, वहाँ खड़े थे, बेरियर लग रहे हैं। यहाँ नहीं आए क्योंकि हमें यहाँ पर आने जगह ही नहीं मिली थी, क्योंकि कदम रखने की जगह नहीं थी। बिल्कुल ही एकदम, जिसे बोलते ना एकदम चुल्ली भर के लिए जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हादसे के पीछे भारी लापरवाही सामने आई है। ये बात भी सामने आई है कि आयोजकों ने कार्यक्रम के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली थी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं मिली थी, उसके बाद भी ये कार्यक्रम हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में तो जो कालकाजी सज्जा सेवादार मित्र मंडल के जो कर्ता धर्ता है, जिन्होंने इस जागरण का आयोजन किया है, इस बारे में ज्यादा जानकारी वही दे पाएंगे। मुझे तो केवल इतना पता है कि हर वर्ष की भांति ये जागरण हो रहा था और माँ की कृपा से अब से पहले कभी इस तरह की घटना दुर्घटना नहीं हुई। वहीं सिंगर बी प्राक ने हादसे पर दुख जताया है। बहुत ही दुख की बात है और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब ठीक हों। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है।
दिल्ली से न्यूज 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट।